हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रॉकीज रिएक्शन एंड अनबॉक्सिंग। और एक नई वीडियो और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आप लोगों के लिए मैं हाज़िर कर लेकर आया हूँ। और हाज़िर करने के बाद जो है आप लोगों के लिए लेकर आए, तो गाइस ये आज का फर्स्ट मेरा वीडियो है। तो मैंने पबजी मोबाइल जो है स्टार्ट कर दी है और पहला पबजी मोबाइल का मैच है, तो इसमें देखना ये पड़ेगा भाइयों और मेरी बहनों के इस मैच में कैसा मैच मेरा चलता है ये मैच। और ये रमज़ान सीरीज़ का पहला वीडियो है आप लोगों की खिदमत में हाजिर। ये जब मैंने मार ली है और थोड़ी सी अच्छी गन मिल जाए तो बेहतर होगा। और यहाँ पर बेहतरीन ये ले लेता हूँ। या ओहो वेरी नाइस। पबजी मोबाइल खेलने का तो मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइम पास भी अच्छा हो जाता है और गेम भी बड़ी अच्छी और बड़ी कमाल और बड़ी फंटेस्टिक किस्म की, क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं और खेलने का जो मल्टीप्लेयर खेलने का जो मज़ा होता है वो कुछ अलग ही होता है। पबजी मोबाइल खेलने वाले जितने भी प्लेयर होते हैं वो कहीं और नहीं जाते, क्योंकि यही खेलना पसंद करते हैं। और मैं ख़ुद भी वन ऑफ दोज हूँ और वन ऑफ दोज प्लेयर जो होते हैं वो पबजी ही खेलते हैं। और रमज़ान स्पेशल ये वैसे ही मेरा फर्स्ट मैच होने वाला है या फर्स्ट वीडियो होने वाला है। वैसे तो मैं काफ़ी अरसे से खेलता आया हूँ और काफ़ी मेरी चैनल पर आप लोग ने वीडियोस भी देखी होंगी। और आज मैं खेल रहा हूँ अकेले, वैसे तो मूसा भाई के साथ खेलता हूँ और मूसा भाई ख़ुद भी बहुत शौकीन है इस गेम के और ज़्यादातर मेरे साथ ही खेलते हैं। कुछ जो है अपने नेबरहुड फ्रेंड्स के साथ या यूनिवर्सिटी लेवल के फ्रेंड्स के साथ खेलना करते हैं और ज़्यादातर मेरे साथ यहाँ पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर बैठने के बाद लोगों का इंतज़ार करते हैं और कुछ कदम जो है दिखाई दे रहे हैं मुझे। और यहाँ पर आएगा कदम तो आ रहे, ये आ गए। आए हाय तल्ला कंजर मार कचा लगा। लेकिन हम लोग बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं, हम लोग एक और मैच खेलेंगे और एक और मैच खेलने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा लॉबी में और लॉबी में एक और मैच लगाएंगे। ये स्टार्ट किया हमने और ये स्टार्ट हो हमारा मैच हो गया, तो इसमें धमाल कुछ करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर जब भी खेलता हूँ तो टॉप 10 में मैं तो आता ही आता हूँ। और डिनर चिकन डिनर जो है मेरा होता है, लेकिन समझो 10 मैचों में 2 से 3 की मेरी एवरेज होती है और हो सकता है कि इस मैच में उस एवरेज का कमाल आ जाए। ये नीचे जाएंगे, डूब के मरना है मुझे। तो लो भाई मैच आ गया, 5 4 3 2 1 0 देव गया। ये वाह, मैं ये कहने वाला था कि ये क्या है, लेकिन ये अच्छा स्टाइल लगा मुझे। ये इस सीज़न का मेरे ख्याल अलग किस्म का डाला इन लोगों ने इफेक्ट। इस बार इस जगह पर जाएंगे, पोचंकी में जिन जाएंगे, कभी कभी वहाँ पर ज़्यादा रशकश हो जाता है और ज़्यादा रशकश होने की वजह से हम लोग जो हैं सही कमाल नहीं कर पाते। और यहाँ पर हम लोग ने जब मार दी और साथ ही साथ अपनी जगह पर हम लोग पहुँचेंगे और जा रहे थोड़ा सा नीचे चले गए ताकि सही नजर आए कि रूफ पर उतरे आगे। इस जगह पर हम लोग उतरेंगे और कुछ चीज़ें जल्द से जल्द हम लोग पकड़ेंगे। तो ये बिल्कुल सबसे पहले ड्रिंक और ये ज़बरदस्त ज़्यादातर मैं क्या खेलने का शौकीन हूँ ATM से, स्कारल से DP मिल जाए अच्छा। और एक वो वाली जो गन्नी है यार जिसमें 50 या 75 गोलियाँ डलती है वो बड़ी अच्छी है, बार बार लोड नहीं करनी पड़ती। एक बंदा आ रहा है, कदम आ रहे। ये खुला तो इधर आ रहा है, ये गया। ज़बरदस्त बैग में तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिली हैं, काफ़ी सामान था इसके पास। और चलो
कहते हैं सिर्फ पगी है। और पगी पर हम बैठ गए हैं और नई जगह पर जाने के लिए तैयार। और धूम मचाले धूम मचाले धूम 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 मचाले धूम मचाले धूम 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 मचाले धूम मचाले धूम चलो चलो जगह में भी घूम करो लौटा करो नई जगह जाओ भी जगह। तो हम लोग यानी मैं जो हूँ काफ़ी जो है दो तरीके से खेलते, कुछ लोगों से कुछ ज़्यादा ही रश खेलने वाले और कुछ लोगों से लो प्रोफाइल रहकर जगह भी लो प्रोफाइल रहकर कोने कोने पर जाकर रहकर खेलते। और मैं पूरे तरीके से दोनों तरह का प्लेयर नहीं हूँ, मैं थोड़ा बहुत रश भी खेल लेता हूँ और जो है कोने कोने पर रहता तो नहीं लेकिन ये के बीच में उतर जाता हूँ और थोड़ा सा सेफली खेलता हूँ और धूम मचा देता हूँ। बीच में मैं उतर के यानी जब भी पैराग्लाइडिंग करते हुए हम लोग जो उतरते हैं पैराशूट से तो बीच में उतर जाता हूँ और बम्बू किस्म का खेल लेता हूँ। टॉप 10 में ज़रूर आता हूँ, अभी 70 समथिंग लोग रह गए और करते करते आखिरी में वही 800 लोग बचेंगे, उनमें से एक कोना भी है विनर। ऐसे ही मैंने इसी घर पर किसी पर मारा था और काफ़ी मज़ा आया था मुझे। और एक और सेवन की मेमो जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी गने बड़ी अच्छी है, काफ़ी क्लासिक क्लासिक जो है हम लोग को गने देखने को मिलती है, जैसे GP है, AKM है, SKS है। और उनका जो है 5K मेमो से ना एमओ से अच्छा उसका डैमेज होता है, तो मैं खुद यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक ही अगर हमें एक और कर मिल रहा है पैदल ही रहा यहाँ पर भी देखते तो कुछ अच्छा सामान मिल जाता है। तो ये जो है बैज होते हैं कि लीड्स होते हैं क्या होते हैं जो छोटे छोटे बंदे वो सामान पार्क करते हैं उनमें से, तो जो लीड्स हैं कि छोटी छोटी पर्चियाँ जो मिलती हैं क्या चीज़ें हैं, इसका बड़ा फ़ायदा है इस सीज़न में क्योंकि जो है यहाँ पर हम लोग को जितनी भी हम लोग क्या तो कोई आएगा जितने समय उसको पकड़ लेगा पकड़ा देगा खुद पकड़ लेते हैं। तो चलो तो सेवन की मेमो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसकी गन है जो है डैमेज ज़्यादा देती है और काफ़ी मुझे पसंद भी है और जो है इस्तेमाल करने में आसानी है, तो डैमेज की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और 5K मेमो वाली कम ही इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादातर अगर मुझे मिल जाए 50 की कैपेसिटी रखने वाली गन जिसको लोड दोबारा लोड करने से 75 की कैपेसिटी वाली बन जाती है बनाकर, ये इधर भी बड़ी अच्छी गलती चीज़ें मिलती हैं। और इधर हाँ ये वाले मशीन की थोड़ी सी वो पर्चियाँ घुमानी है, ये वाली मशीन से जो काफ़ी सारी चीज़ें स्कोप्स वगैरह बैग है, लेवल 3 के बैग है, हेलमेट्स हैं और काफ़ी और चीज़ें आपको मिलेंगी। ये अगर आप लोग को ये मेरा चैनल पसंद आता है या पसंद करते हो आप लोग छुप के देखो जायजा कर लो कि कहाँ पर जाना चाहिए। तो गाइस आप लोग को
मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है या वीडियोस पसंद आ रही है या फिर खेलने का अंदाज में जब आप लोग को मेरा पसंद आ रहा है तो काइंडली आप लोग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ने ये करने के बाद काइंडली और चैनल को सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग, बाय लाइकिंग और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट से ये होता है कि जितने भी जो है आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे उससे ये होगा कि जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का वो जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पुश करेगा और आप लोग को वीडियो तो मिलेगी लेकिन मेरे चैनल को ज़्यादा बेनिफिट होगा। हो गया था तो आ गया रिवर और रिवर से थोड़ा हम मोड़ के इधर उतरते हैं, ये गोल वाला घर है, ये हट कैसे क्या कहते हैं, इधर काफ़ी अंतिक अंतिक कभी कभी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी मिलती है। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बड़ा अच्छा रहा, मूसा भाई के साथ खेला करता था जब तब जो है काफ़ी मज़ा आ जाता था, थोड़ा पैदल चलने थे और पैदल चलने के बाद यहाँ पर एक गैस स्टेशन के पेट्रोल स्टेशन में यहाँ पर जगह पर था जो छोटे घर में हम लोग ऊपर खड़े थे और नीचे सीढ़ियों से आने से पहले ही हम लोग ने दो चार गोलियों में उसको फिनिश किया। फिनिश चलो भी फेरनी शूटिंग रेंज संदोक रोजोक रोजोक जैसा जगह के आसपास ये सर्कल बंद होने वाला है और जगह पर जो है हम लोग खिलाड़ी बैठे हैं और चीज़ें करने के लिए हैं लोकेशन जब हम लोग एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं मार्क कर करके उसके बाद हमें ख़त्म भी कर देना चाहिए विकास की भी कर बात पता चलेगा कि किस जगह पर हम लोग को जाना है या यहीं पर टिकना है। नई सेटिंग क्या है? 25 बंदे रह गए और 25 बंदों में से एक हम भी हैं। प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये छोटा हो गया फिलहाल जाने की जरूरत है क्योंकि हम लोग सर्कल के करीब ही
और चैनल को सब्सक्राइब करने विद प्रेसिंग द बेल आइकन। और बेल आइकन से ये होगा कि यार मेरी आने वाली वीडियो सबसे जल्दी सबसे अव्वल नंबर पर आप लोग तक पहुँचेगी और आप लोग इंजॉय करेंगे मेरी आने वाली वीडियो, क्योंकि जो है रमज़ान की जो है ना स्पेशल सीरीज मैंने बना रही है। उसी रास्ते से मैं वापसी करने जा रहा हूँ जिस रास्ते से आया था, रिवर्स गियर मारा, यू टर्न मारा। तो चलिए, तो गाइस मैं ये कह रहा था कि आप लोग जो है मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को जो है सपोर्ट कीजिए। और आजकल जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसमें जो है मैं सीरीज़ बनाऊँगा पबजी की, और पूरी होल सीरीज बनाऊँगा, पूरा रमज़ान खेलूँगा आप लोग के लिए। इस वीडियोस पर वीडियोस आएंगी, हर रोज़ वीडियोस आएंगी। तो ये जो है पहला वीडियो है, और सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, फोर्थ पार्ट आएगा, और देखो कब तक मैं खेलता हूँ और कब तक आप लोगों के लिए इन्जॉयमेंट होगी। सही है जी। तो ये पहला पार्ट आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, जितना लाइक और कमेंट शेयर करोगे उतना ही अच्छा होगा। तो मैं इधर आकर बैठ गया हूँ, पेट्रोल पम्प वाली पेट्रोल पम्प है या गैस स्टेशन है, उस जगह पर आकर बैठ गया हूँ। और इधर से आएगा बंदा, दूसरी साइड से आएगा, ऐसी जगह पर मैं बैठना पसंद नहीं करता या लेटना पसंद नहीं करता, क्योंकि जो है टू वे जगह ना, टू वे जगह में ज़रा सी हो जाती है परेशानी। और परेशानी का मसला ये है कि बंदा उधर से आएगा या इधर से, कुछ पता नहीं चलता। और एक और जगह जो है जहाँ छुट्टी होगी जान छुट्टी, और अभी गाड़ी नहीं लेंगे क्योंकि करीब करीब सब छोटा और छोटे होने की वजह से जो है मसला बनना चाहता है। सर्कल के करीब आ गया मतलब बैठने के बाद जाना चाहता, लेकिन वैसे वो पड़ा हुआ बहुत ड्रॉप पड़ा हुआ है वहाँ पर। यार ये लेटने के बाद जो है ना सही नज़र नहीं आता, कहाँ से हो जाती है कोई इंतजाम नहीं करते। किसी बंदे के पास इस चीज़ का अगर इलाज है तो काइंडली मुझे बताइएगा, क्योंकि उसको लेट करके ना स्कोप खोल देते फिर नज़र नहीं आता है, तो इसके बाद ज़रा काफ़ी मसला हो जाता है। तो भाई देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई बंदा है कि नहीं। पांच बंदे रह गए, काफ़ी जल्दी लोग मरे, यहाँ पर कोई बंदा चलो भाई दो बंदे, चार बंदे मुझे मिले चलो भाई लेट कर थोड़ी सी अपनी एनर्जी फुल करते हैं। और जो है एनर्जी फुल करने के बाद हाय 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 लानती। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो है चैनल को सपोर्ट कीजिए। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।